चाहिए। सोनी सोनी नाम की एक आदिवासी लड़की सरकारी टीचर बनी, उसने जब पुलिस के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई तो उसको पकड़ करके पुलिस स्टेशन में ले जाया गया, थाने में उस लेडी को नंगा किया गया, उसे बिजली के झटके दिए गए और उसके गुप्तांगों में प्राइवेट पार्ट्स में एसपी ने खुद सामने बैठ के पत्थर भरवा दिए और उस लेडी ने उसको जेल भेज दिया। उसके ऊपर फर्जी मामले बना करके उसने जेल से मुझे खत भेजा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, हमने सुप्रीम कोर्ट में वो खत रख दिया और उसकी हमने कहा छत्तीसगढ़ से बाहर मेडिकल कराइए। कोलकाता में उसकी मेडिकल जांच हुई जहां उसकी वेजाइना और रेक्टम से वो स्टोन पीसेस निकले, वो सबूत मिल गए कि उसके साथ ये हुआ, इसका इल्जाम सच्चा है। लेकिन वो मामला 11 साल तक लटकाए रखा गया। उस एसपी को राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार दिया जिसने ये किया। और अगस्त में सोनी सोरेन की जो याचिका थी वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, सोनी सोरेन को कोई इंसाफ नहीं मिला। अभी उसके घर की बिजली कटी हुई है इस वक्त में जी। इस वक्त उसको बिजली का कनेक्शन नहीं और है। वो सात मामले बनाए थे उस पर, सातों में बरी हो गई है लेकिन उसकी नौकरी वापस नहीं दे रही है सरकार। मेरा क्वेश्चन है, देखो 50% हायर जुडिशरी पर 2015 विच जिहड़ा जस्टिस मार्कट ने कट जो कह गया सी 50% हायर जुडिशरी करता है, 80% लोअर जुडिशरी भी करता है। अज दी डेट में तुहानू सारे नू सिंगल सिंगल माइक लैके पुछना चाहूंगा, तुसी अपनी नजर अदालतां नू किन्ने परसेंट करप्ट मानदे? 99.9% नहीं, इस तरह है ठीक है, हर एक दा अपना प्रश्न है। मैनू हुण जदों भई इस गल चल रहा है कुछ जजां दा मैसेज दे तौर ते कोई सदा तक क्यों कोई फोन करेगा, मैसेज आ गया कि इस शिकायत को कंटिन्यू करो, उतो लगता है कि कुछ ज्यादा भी है, सारा कुछ मुर्दा नहीं है। परसेंटेज 10-15% माड़े है, दूजे जो नपुंसक है बोलते नहीं, चुप है, ठीक है, उन्होंने चंगे नहीं कह जा सकता। जो बंदा सीट पर बैठ के कुछ डिलीवर नहीं कर सकता तो चंगा कह लो, किसी का माड़ा नहीं कर सकता, जो किसी का माड़ा कर सकता वही किसी का चंगा कर सकता है। और 15% जो है इन्होंने ही सारे धंधे चलाए, जो किसी को रिलीफ ही देंगे पैसे पूसे लैके यही देंगे, धक्का करते ये करते हैं पॉलिटिशन जो करते हैं। 15% लोग जो है जुडिशरी का उन्होंने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिता। मैं एक इंसीडेंट पहला भी दसिया, इन्हों को याद आ गया, हरियाणा का केस है, दो लड़कियां जी है दो मुंडे पुलिस ने रोक लिया सीगियां, उत्ते प्रॉब्लम हुई, मुंडे ने गुस्से चाके चाकू मारिया, दो पुलिस वाले मर गए, अगले दिन वो इनकाउंटर कर दिता गया उस मुंडे का, वो लड़की दो चो एक दे नाल पुलिस कस्टडी में रेप होया, ह्यूमन राइट्स वाले ने मतलब वो रिपोर्ट बना के 376 का परचा पुलिस से दर्ज होया हुआ है। वो लड़कियां 3 साल तो वध समय तो जेल च है, अमीश ढिंगण वर्गिया ने बेल नहीं दी उन्होंने, जो उन्होंने सजा भी होती है 3 साल है तो 3 साल तो जेल बैठे हैं। यह रिपोर्ट है, इस तो वही शर्म की है, बलात्कार की शिकार नाबालिग लड़की जी है नवनीश ढिंगण वर्गे, मैं अगर की लफ्ज करा कि बेगैरत लोग जो बैठे है कुछ जमानता नहीं देंगे, इन्होंने थरू सिंह बैंस वर्गे लोग है ये मैं जो जमानता देगी बार लोगों दियां पढ़ के इज्जत ना खेडन की इजाजत देंगे है, तो फिर एक आने वाले समय से की डिजर्व करेंगे, ये आप आने वाले समय से सारे देख ही लवेंगे जो हालात पंजाब के बनते जाते हैं। ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਸਰ ਸਾਡੇ ਆਈਪੀਐਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਔਰ ਈਵਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਦੋ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਈਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫੜਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ,
उन्होंने देखा भी हूँ की किया जा सकता, उन्होंने देखा भी मजीठिया से पर्चा दर्ज हो सकता है क्योंकि केस दबे पे थे, तो उन्होंने उस चीज में जरा दोबारा पटिया जे इतने डी जी पी लगाए गए थे सहोता साहब उन्होंने भी ड्यूटी लाई गई भी केस रजिस्टर करो जी, तो सहोता साहब इन मतलब वो अफसर नहीं गिने जाते जिन्हें आप कह सकते हैं कि जेडे स्ट्रोंग हो मतलब जिस तरह का कोई बैकग्राउंड उन्होंने हो, उन्होंने ट्राई की, उन्होंने वो केस में दोबारा जरा चक के जरा उस समय के बी ओ आई के इंचार्ज से मिस्टर एस के अस्थाना बड़ा ही डिफरेंट करैक्टर का आदमी उस बारे अब मौका नहीं उस बारे में डिटेल जानता कि वो अफसर की है, वो छुट्टी लैके भग गया क्योंकि मजिठिए बारे लिखने के लेना पैना से थले जो सैन करने पैने थे, वो छुट्टी लैके भग गया, वो छुट्टी लैके भजया जलो तो फिर डी जी पी दे गल बनी ना, फिर सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय जरा डी जी पी लाया गया, सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने जो बहुत वही हिम्मत करके अब जो अभी बैठ के इससे डिस्कलोज कर रहे हैं तो वो बंद कुछ रोल है भी है जिन्होंने करके अच्छे चीज़ा चल रही है, मैं उन्होंने कोई उन्होंने तारीफ की नहीं गल कर रहा, मैं सिर्फ इस विषय से गल कर रहा है वो किस कारण करके भी रिपोर्ट आई वो अच्छ जी है अभी जी गल करते जो बैठे हैं लोगों तक वो उस केस रजिस्टर होने करके आई नहीं तो कद आनी ही नहीं, उन्होंने वो रिपोर्ट कढ़वा के उन्हें ऑर्डर किए केस रजिस्टर करने वो केस दर्ज होया, उस तो बाद क्रिटिकल जरा माइलेज ले गई मजिठिए अंदर दिता गया, हालांकि मिले कुछ नहीं इन्हों उस घटना का भी उद्दाद पांच छः महीनों बाद उन्होंने फिर जो जिस तरीके जमानत मिली है वो भी एक शर्म से चिंता की गल है हाईकोर्ट वास्ते किमें बैक बैक इन्होंने जी जमानत दीं किमें एड्डा व्डा एविडेंस पे इग्नोर करके जमानत दी है मजिठे वर्ग क्योंकि जो सरकार बदल के आने तो पहला ही जो भावरा नाम का डी जी पी से अच्छ बड़ी तकलीफ है उन्होंने एक भावरा वाइफ भी आई एस अफसर बड़ी सीनियर एक दिनकर गुप्ता वाइफ भी चीफ सैकटरी रही है कि सारे लोग जो है इन्हों बीमार हुए हुए इन्हों की तकलीफ हुई हुई है उन्होंने पता भी जो साढ़े खिलाफ कोई चीज़ हो ना जाए जी अच्छ वापर जा रही है, इस बाद जो करना है किसी का कर ना कर पर लोगों तक आवाज जी है चली जानी चाहिए सी, तो वह बंद ने भावरे ने रिमांड ही नहीं लिया एडे वे दोषी का अच्छी पूरी की पूरी 6,000 करोड़ की तो रिपोर्ट पई सी जी मतलब उन्होंने दी जस्टिस बैंस ने चीफ जस्टिस को सोड़ा की हर एक चीज जी है क्लीयर की हुई थी वो भी बिल्कुल इग्नोर करके चुप करके उन्होंने जेल भेज दिता मजिठिए तो उस बाद 5-4 महीने आई वाच करके उन्होंने जमानत दे दी गई भी एक पूरी की पूरी स्टोरी है कि जमानत किमें हाईकोर्ट ने खेडा खेड के कलीसा गिल जज हैगी है उन्हें बिल्कुल नहीं किया इंटरटेन से सख्त ऑर्डर किए थे वो तो दोबारा दवा चेंज करके हाईकोर्ट ले सुप्रीम कोर्ट ले आया गया सुप्रीम कोर्ट तो वक्रा डबल बेंच करके रिक्वेस्ट तो कुछ चीज़ों को इग्नोर करके इतने ले आता गया फिर हाईकोर्ट के इतने फिर बेंच बदलिया जोड़ा पहला कोई मसीह वाला बैंक सेगा उन्होंने हिम्मत नहीं पई वो कुछ चिर रख के उन्होंने वापस कर दिता, फिर बड़े जो हूँ हर 15-20 इतने ठग है उन्होंने सर्वेश्वर ठाकर एक होर से नाल मेरा नाम याद है उन्होंने यदि बेशर्मी ने जमानत ली मिली गिर जरा बाहर छड़े, उस तो बाद जब आप अगे गल करिए जमानत दियाँ तो ताजी ताजी अनूप चितकारे को भी कहा जाता है कि चंगा जज है तो पर बेल दे दिता बेल उन्होंने दो जिन्हें हक बनते हैं बेल डाकू देनी है बेल बलात्कारी देनी है तुम वेख्या होना सारे ने दो दिन पहला बैस जरा है वो निकला जेल के पिछों कि किस तरीके प्रटेंड कर रहा है किस तरीके उन्हें पोस्टर लगाए हुए हैं किस तरीके दोबारा स्टैबलिश होने की कोशिश कर रहा है हाई कोर्ट आदि साजिशा करके ये लोग जोड़े है दोबारा जन्म लेंगे है मजिठिए अदालत की यही चीज़ पकड़ रही है वो अब फिर विचरता फिर बाहर फिर जेलों के होना चाहिए मैं तो कहना हमें ड्रग वाले जोड़े दोषी है बंदूकों के अगे होने चाहिए एक सिंगापुर होंगे तो हम फायरिंग स्कैड के खड़े कर देंगे कि देंगे इन्हों इन्हों बेला दें अपनी बेहिजाई जी हो रही है जिम्मे छोटे दावे नाम लैके बोले है इस तो बाद की करेंगे लोग इस तो बाद की हो कहा चाहते हैं असं कहने अभी इंसाफ वास्ते मजबूर करा बिल्कुल साढ़े नौकर है कोई माई लाड़ नहीं है तनखाह लेके साथ राज कर रहे हो और इंसाफ देने को इनकार कर रहे हो ये इंसाफ ले जाते रहे हैं जो इस तरह के हालात बने हैं पहला भी चीज़ा चलियाँ तो कल चलनगियाँ तो जी हाईकोर्ट है जाग जाए ठीक है इतने कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे इन्होंने इन्होंने जिम्मे क्रिटिकल बंदे अज की डेट में लोग नहीं बढ़ देंगे क्वेश्चन करते हैं तो आने वाले समय में वटे मारन इन्ह जजा दार भी इन्होंने शीशे लोग भरन के जे इन्होंने यही हालात जोड़े है बनाई रखे जे इवें ही शेल्टर करते रहे लोगों तो सो जो अज की मेन गल सी उसे मैं वापस आना कि जोड़े दो नाम है जोड़े सब लोगों को पता है जिन्होंने पता होना चाहिए है पता सिर्फ उन्होंने नहीं है जिन्होंने नहीं पता जो जो लग भी जाऊंगे तो करेंगे पर फिर भी अज तो बाद डिबेन के हो नाम है
सुरेश अरोड़ा जिहड़ा साडा बिल्कुल प्रेजेंटली सूचना कमिश्नर है और साडा फॉर्मर डीजीपी है, चार साल डीजीपी रहा है, बहुत वड्डा नेक्सस है जिहड़ा असीं जदों नवें च भर्ती होए सी, मेरा एसएसपी सीगा उदों तों जाणदे हां कि ड्रग दे नेक्सस पहलां हेरोइन विकदी हुंदी सी, जिहड़ा जदों ये सिंथेटिक ड्रग दा मजीठी होरी 2006 लै के आए है, उस तों पहलां जिहड़े नेक्सस चलदे है इहनां दा किवें किवें रोल रहा है, इहनां ने किवें किवें पाले आ दे विच लोकां नूं किस तरीके नाल, मतलब एक पूरे दा पूरा सैटअप जिहड़ा हैगा जिहदे विच एक पार्ट मंगा होया है दलजीत ते राजदीप अरोड़ा, होर वी पार्ट वड्डे हैगे है जिहनां वास्ते सानूं पता सी कि जदों असीं इह बोलांगे तां साडा पता नहीं की करनगे, उह सुरेश अरोड़ा जिहड़ा हैगा बिल्कुल उहदा नाम इहनां रिपोर्टां दे विच प्रमुख तौर ते छपिया होया है, जिहड़ी जिहड़ी हैगी है सरदार चट्टोपाध्याय दी लास्ट रिपोर्ट हैगी है जिहदे विच साइन करदे हिम्मत नहीं हुई सी ना कुमार विजय वर्गिया दी, ते दूसरा नाम हैगा किरण गुर गुप्ते दा जिहड़ा अज जिहड़ा सब तों स्ट्रोंगेस्ट जिहड़ा कॉप हैगा साडी इंडिया दा, मैं नहीं कहिंदा कि दुनिया दा इस तों वड्डा मूर्ख वी होऊगा जिहड़ा एडा वड्डा डिस्क्लोजर कर रहा है, इस तों बाद कोई खतरे वड्डी गल नहीं गल हो सकदी जिहड़ी अज मैं तुहाडे सामने कर रहा है। NIA दा चीफ डीजीपी ऑफ इंडिया थोड़ा दोषी है, पंजाब के जेडे ड्रग जी विकी है वह बिल्कुल और डीजीपी की रिपोर्ट के दोषी हैगा जे, और ये अगली गल है कि एक बिल्कुल यह एक स्टार्ट होना है, ये जो खुलूगा एक शुरुआत होनी है वो जो नाम आने हैं वो जे डीजीपी जो सी हूँ डीजीपी हरप्रीत सिद्धू रिपोर्टा जो खुलन गियाँ वो भारत गर्जाल आऊगा, वो कैप्टन संदीप संधु आऊगा, वो अंकित बंसल नाम के यूएसडी रखे से इन्होंने अपने यह मंडीर इकट्ठी की सी वो आने अकाली दल के नाम आते हैं, ये एक यदा खास हों मनप्रीत बादल का, उस तो बाद सुखबीर का रहा, सतविंदर मंटा होड़ा वाले साढ़े पिंडा का ही है, रोजी प्रकंदी MLA जो अज भी है उतों अपने मुक्तसर तो इन्होंने नाम भी इन्होंने रिपोर्टा में, होर भी बथेरे नाम है जेडे मेरे ध्यान आए मैं दस दिए है, ये अगे आने इन्होंने रिपोर्टा ने जो ये रिपोर्टा चलनगियाँ जो ये थम ढहन गए व्डे फिर वो नाम जो है फिर इन्होंने दसने बहन गए, क्योंकि हूँ तक तो सारी गेम उमें चली जाती जिम्मे इन्होंने मुताबिक है, वो लोग अभी भी SSP दी पोस्टा से बैठे है जेड़े जिन्होंने लुकआउट नोटिस जारी हुए हैं जिन्होंने जेलों में होना चाहिए जे वेखा जाए, पर जे उपरले अफसर जो है उन्होंने हालात देंगे फिर थले वाले क्यों जेलों में जान, क्यों थले वाले भुगतान, मैं हमेशा कहना हूँ जो तक जुडिशरी हाईकोर्ट की ठीक होगी तो थले वाले कोर्टा ठीक हो जाएगी, IPS सबसे ठीक होगी तो PPS सबसे ठीक हो जाएंगे, PPS होगी तो पुलिस ठीक हो जाएगी, इलाज उपर करने की लड़ है जी, दवाई है उपर देने की लड़ है, बीमारी उपर हैगी है थले भी हैगी, तो ये दो नाम जो है याद कर ले जा जी कार्रवाई साढ़े बनती हाई कोर्ट ने करनी कर ले जी NRI IA ने चुका के जी साइ गोली बनाई ये बना लवे, ये अज की डेट में मैं सोचता है कि मैं अपने दिमाग को अपने एक जमीर तक बोझ लाया नाम लैके ये ताकि कल यह ना कहने कि कोई चीज़ा मैं मेरे नाल दफन हो गई, तो हूँ तक का जो मेरा सब तो व्डा मेरे अंदर जो राज क्योंकि नाम इन्होंने वड्डे है, यह अपनी चेन में ही ज्यादा रखना चाहते हैं, सरदार चट्टोपाध्याय गैप कर दिता गया बच्चों क्योंकि जो DGP लगता इन्हों उजागर कर दिता, दूजा नाम हूँ हरप्रीत सिंह सिद्धू का है उन्होंने भी DGP लगन नहीं देना, इन्होंने हूँ भी DGP की पैनल में उसका नाम गया सी गौरव यादव लाया गया क्योंकि गौरव यादव चेन का हिस्सा है, वह उन्हें तो लगाना है सारा कुछ DGP है पंजाब का, मैं तो इस बार की गल कर सकता है हालात है ये चीज़ों को जरा प्रोटेक्ट करने सारे की सारी एडमिनिस्ट्रेशन IAS अफसर हर चीज़ जी है पूरी तरीके से जुटी हुई है। अगला निशाना यह दस दिता गया जो भी करना करेंगे लोगों के सामने आऊगा, IAS अफसर जी दिल्ली के बंदर की गल की छोटे भरा ने बंदर की वारी है हम जिन्ना चर बंदर असं ध्यान नहीं करा, इन्हों के कुंडे इन्हों के संगल नहीं पावे साडा भरा भरा नहीं है। अगला टारगेट नीलमा नाम आ चुके हैं IAS का, वो तीन चार नाम होर नाम लिए इन्होंने वो सारे के सारे अगली साडा संघर्ष जोड़ा है असी 18 मार्च जी वो डेट दी सी पहला जी इस अज के डिस्कलोजर वास्ते वो असी संभाल के रखी हुई है, वो असी जरा अगली रूपरेखा अफसर के खिलाफ IAS से वो गलबात करा कि अगला की एजेंडा होना चाहिए किमें उन्होंने लोगों
फड़ के कानून के दायरे में लिया जाना चाहिए। जो आई एस अफसर जेल में जाने लग पे उदो इस स्टेट का कुछ ना कुछ हो सकता है, अदरवाइज इतने कुछ भी नहीं है। बाकी सारे जो गेम खेलते आपस दो पुराने तीजे ये नवे ये खेडा सा कोई भला नहीं कर रही है। इन्होंने यह जहाँ कुछ ही करता रहना है। जो ये पॉलिटिशियन कुर्सी पर बह जाते हैं उदो ये डिफरेंट लोग हो जाते हैं, पर जोड़े असली जो दोषी है वह है आई एस अफसर वो ही जी है एक पॉलिटिशियन आ जाता है, वो ही मीडिया आता है, वो ही हाई कोर्ट आती है। और फिर मैं बेनती करना अपनी गल करने तो पहला कि हाई कोर्ट के सज्जन कुछ जज नोट कर लैन करैक्टर के भी ब्लॉक लोग ने बेईमान तो हैगी है, करप्शन तो हैगी है, इन्होंने यह जे भी साढ़े को इनफॉर्मेशन आ रही है कि करैक्टर के भी बहुत थले ने। और मैं वार्निंग करना अपनी पीढ़ी थले सोटा मार लैन हाई कोर्ट के कुछ जज कि सानू उवें धरना ना लाना पवे जिमें बहसा के खिलाफ असी ला के बलाव करके केसा के बहसा तो किए थे हाई कोर्ट का कोई ना कोई जज भी इस केस अंदर जा सकता। अब तो अपने अपनी करतूतों पर निगाह मार लैन। बहुत इनफॉर्मेशन साढ़े को आ रही है, साड़ा निशाना पहला आई एस अफसर है, पर जो किसी ने धक्के ना फस के माई लाल ने अंदर होना होया भी स्वागत है। अपने आप का ध्यान कर बहुत बहुत।